आपका स्वागत है मेरा चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने जूम जो क्लाउड मीटिंग ऐप से अपना अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र में जाना होगा। तो आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र खोल लीजिए, लाइक मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम पर जाऊँगा, एड विंडो पर करूँगा। देन यहाँ पर अपन को टाइप करना है वेबसाइट पे जूम एस, इसका जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा zoom.us। यहाँ जाने के बाद आपको साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड थ्री जो लाइंस बनी है यहाँ जाएंगे। देन ये माय अकाउंट लिखा है जो मेरा साइन इन है इसलिए माय अकाउंट आ रहा, नहीं तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएंगे। तो आपको सिंपली उसको साइन इन करके लॉग इन करना है जो आपकी यूज़र नेम वहाँ पर है जो आपने ऐप से लॉग इन करा हो। ठीक है, ये मेरी आ चुका है लिंक अकाउंट, सॉरी ये मेरा लिंक अकाउंट आ चुका है। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट खुल चुकी है। अब इसको करने के बाद आपको यहाँ वापस प्रोफाइल पे जाना होगा। देन यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है आपको एडमिन में जाके अकाउंट मैनेजमेंट एंड देन अकाउंट प्रोफाइल में जाएंगे। उसके बाद आपको ये नीचे दिख रहा है टर्मिनेट माय अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन कन्फर्मेशन मांग रहा है, आर यू वांट श्योर टू टर्मिनेट योर अकाउंट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देन ये आपका अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है। आप देखेंगे वापस वहाँ जाके तो साइन इन का ऑप्शन आ चुका है और आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो चुका है और ये ऐप से भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अभी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये देख सकते हैं अकाउंट आपका ये आ चुका है, योर सेशन हैज़ बिन एंडेड एंड यू नीड टू साइन इन अगेन, अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो चुका है। दोस्तों ये सिंपल सी स्टेप सी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक